हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। स्टार्ट करते हैं आज के डेली एमसीक्यू को। आज डेट है 29th of December 2018 और आपके सामने आएंगे पांच सवाल। कोशिश करना कि आप सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते रहो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते रहोगे उतने ज़्यादा आप लोग सीखते रहोगे। मेरा मकसद यही है कि आपके साथ पांच कॉन्सेप्ट ऐसे डिस्कशन में लेना कि अगर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो वो आप लोगों का सही ही होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू के साथ। तो पहला एमसीक्यू है अबाउट ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स। आपको बताना है कि ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है। ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय, आपके ऑप्शन है ए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, बी नीति आयोग, सी होम मिनिस्ट्री या डी फिनेंस मिनिस्ट्री। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। सबसे पहला सवाल ये है कि मैंने ये सवाल आज लिया क्यों है। देखो, अभी रिसेंटली नवंबर के अंदर सरकार ने ये बोला था कि हम लोग नया ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस लेकर आएंगे 2019 के इनिशियल मंथ्स के अंदर, और उसके बाद जो स्कीम्स हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, उनके लिए जो पैसे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए जाते हैं उनको यहाँ पे जो इंडेक्स आएगा उसकी रैंकिंग के बेसिस पे ही दिए जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि 2019 के शुरुआती महीनों में ही एग्री बिजनेस इंडेक्स की नई रैंकिंग भी हम लोगों को देखने को मिल जाएंगी। जो नई रैंकिंग आएगी 2019 के अंदर वो सेकंड रैंकिंग होगी। जो फर्स्ट रैंकिंग है वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं 2016 के अंदर। जो 2016 के अंदर जो रैंकिंग आई थी उसके अंदर जो टॉप पोजीशन है वो हासिल करी थी यहाँ पे महाराष्ट्र ने, और उसके बाद सेकंड जो पोजीशन थी वो यहाँ पे थी गुजरात की। इसके साथ साथ इस इंडेक्स को मेज़र करते समय बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ रिफॉर्म्स देखे जाते हैं, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे कोई रिफॉर्म्स हो उनको देखा जाता है। फिर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को देखा जाता है कि कैसी प्रोडक्टिविटी चल रही है। यहाँ पे देखा जाता है कि इनपुट कॉस्ट के ऊपर किस स्टेट ने कैसे बड़े बड़े कदम उठाए हैं। यहाँ पे जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती हैं उनको देखा जाता है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कैसे हैं किसी स्टेट के, फार्मर्स की उन्होंने कितनी मदद करी है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे एग्री बिजनेस इंडेक्स के अंदर देखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे एग्री बिजनेस इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, हमारी जो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है हमारा, वो यहाँ पे प्रिपेयर करता है एग्री बिजनेस इंडेक्स को। जल्दी से आंसर देख लेते हैं। सो द आंसर इज बी नीति आयोग। तो 2016 के अंदर यहाँ पे पहला लॉन्च किया था और यहाँ पे मेजर की जाती है कि प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, इनकम, इन सबको मिलाकर यहाँ पे देखा जाता है। देखो, हम सरकार का मेन मकसद क्या है कि 2022 तक हम लोग जो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी इनकम डबल कर देंगे। स्टेट को भी याद रखना, ईयर को याद रखना कि 2022 तक हमें डबल करनी है। 2022 ही हमने क्यों सुना है, क्योंकि वो जो साल है वो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कि एज दी 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ओके, और यहाँ पे जो तीन बड़े बड़े एरिया हैं रिफॉर्म्स के उनको देखा जाता है, उनके बेसिस पे जो रैंकिंग होती है उसे प्रिपेयर किया जाता है। और 2019 के अंदर जो रैंकिंग आएगी उसके बेसिस पे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे पैसे मनी प्रोवाइड करेगी कि किस स्टेट को कितने पैसे देने हैं एग्रीकल्चर स्कीम्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा आर्ट एंड कल्चर और हमारी एंशियंट इंडिया का यहाँ पे पार्ट है। तो जैनिज्म वाला जो पोर्शन है वहाँ से ये सवाल लिया गया है। सलेखना के बारे में ये सवाल है। सलेखना को हम लोग समथारा के नाम से भी जानते हैं। तो विद द रेफरेंस टू द सलेखना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ द लास्ट वो प्रिस्क्राइब्ड बाय जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जैनिज्म के अंदर जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका ये आखिरी वचन है, लास्ट वो है। दूसरी स्टेटमेंट ये है द ड्यूरेशन ऑफ द प्रैक्टिस कुड बी अप टू 8 to 10 years। तो 8 से लेकर 10 दिन तक यहाँ पर प्रैक्टिस करे जा सकते हैं सलाखना। और जो तीसरी स्टेटमेंट है वो है कि 2015 के अंदर इन 2015 सुप्रीम कोर्ट स्टेड द डिसीजन ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट एंड पुट द बैन ऑन सलेखना। तो 2015 के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे जो सलेखना है, जो प्रैक्टिस है, वो गलत प्रैक्टिस है, और बोला था कि जो हमारा राइट टू लाइफ है उसके खिलाफ जाती है पर्टिकुलर प्रैक्टिस, और उसको यहाँ पे स्टे कर दिया था, उस ऑर्डर को माना था सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा कह रही है यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट। आपको बचाना है विच ऑफ दी गिवन स्टेटमेंट गिवन आर और इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, गलत वाली स्टेटमेंट्स बतानी है। ऑप्शन है ए 2 and 3, बी है 2 only, सी है 3 only,
डी है 1, 2, 3 या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बात हो रही है सालेखना या संथरा के बारे में। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ जैन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप ये याद रखोगे कि जैनिज्म से ये रिलेट करती है। इसके साथ इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है फास्टिंग अप टू डेथ। तो यहाँ पे जब तक फास्ट किया जाता है, जब तक किसी को यहाँ पे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, ओके, डेथ नहीं हो जाती जब तक यहाँ पे फास्टिंग की जाती है। जैनिज्म के अंदर इस चीज़ को क्या माना जाता है कि यहाँ पे जो थिनिंग ऑफ बॉडी है, देखो कोई अगर खाना नहीं खाएगा फास्ट करेगा तो ऑब्वियसली बॉडी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। तो यहाँ पे माना जाता है जब बॉडी थिन होती है तो उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो पैशन होता है वो भी यहाँ पे थिन हो जाता है, कम हो जाता है। तो थिनिंग ऑफ ह्यूमन पैशन भी यहाँ पे बोला जाता है सालेखना को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास वर्डिक्ट आया था क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ को पास किया था कि राइट टू लाइफ जो है वो जो राइट टू रिलीजन है उससे ऊपर है, और इस वजह से संथारा की जो प्रैक्टिस है उसे बैन कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको खारिज किया था, बोला था यहाँ पे बोल दिया था कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो सालेखना को। जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ए 2 and 3। तो मतलब पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है, इट इज़ द लास्ट वो प्रिस्क्राइब्ड बाय द जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि सबसे आखिरी ये वो है, क्योंकि इसके बाद तो जो इंसान है वो मर जाता है, डेथ पा लेता है, और जो दूसरी और तीसरी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। और यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है इस प्रैक्टिस का वो हो सकता है 12 साल या उससे ज़्यादा का भी, इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है सेवोत्तम के बारे में। विद द रेफरेंस टू द सेवोत्तम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली है इट इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर वेलफेयर फॉर फिजिकली डिसेबल्ड, कि जो सेवोत्तम है वो जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ऐसा यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है इट इज़ डिजाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 या डी नन ऑफ दी अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं कि सेवोत्तम मॉडल असलियत में है क्या। तो देखो सबसे पहले तो इस वर्ड को आप ब्रेक डाउन कर दो, एक है यहाँ पे सेवा और दूसरा है यहाँ पे उत्तम। तो सेवा का मतलब क्या होता है, सर्विस, और उत्तम का क्या मतलब होता है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिसे हम कहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं उत्तम। तो यहाँ पे सेवा प्लस उत्तम, और यहाँ पे इसका मतलब है एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी सिस्टम। अब जो सेवोत्तम है वो एक सरकार का इनिशिएटिव है जिससे सरकार क्या चाहती है, जो पब्लिक सर्विसेज हैं हमारे देश में उनको हम लोग इम्प्रूव कर सकें, ये मेन मकसद है सेवोत्तम का। अब सेवोत्तम के अंदर आपने सुना होगा सिटीज़न चार्टर, तो जो सिटीज़न चार्टर होता है उसको यहाँ पे अच्छे से बनाया जाए, उसके लिए यहाँ पे कुछ जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें मेंटेन किया जाए, वो सारा का सारा यहाँ पे सेवोत्तम का पार्ट है। हम लोग बात करते हैं पब्लिक ग्रेवियंस का, कि पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए, वो यहाँ पे सेवोत्तम का पार्ट है। यहाँ पे सर्विस डिलीवरी को हम लोग किस तरीके से अनेबल कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कैसे हम लोग मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग किस तरह रिसीट ले सकते हैं, रिड्रेसल कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सेवोत्तम इनिशिएटिव का पार्ट है। अब सेवोत्तम इनिशिएटिव किसके अंदर आता है, तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस है उसके अंदर आता है हमारा सेवोत्तम। तो मतलब इसके हिसाब से जो गलत स्टेटमेंट है कौन सी है, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट पूछा है आपसे, सो बोथ आर इनकरेक्ट, तो आंसर होगा यहाँ पे सी बोथ 1 and 2। जल्दी से देख लेते हैं, येस सो द आंसर इज सी बोथ 1 and 2। और याद रखना जो हमारी यहाँ पे पर्सनल्स पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन वाला जो यहाँ पे मिनिस्ट्री है उसका ये पार्ट है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ओके। और ये जो सेवोत्तम फ्रेमवर्क है इसको डिज़ाइन किया गया था 2006 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपना अगला सवाल क्या है। तो जो अगला सवाल है वो है सरगासो सी के बारे में। विद द रेफरेंस टू द सरगासो सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है इट इज़ डिफाइंड बाय द ओशन करंट्स, वो ओशन करंट से डिफाइन होती है। दूसरी है इट लाइज विद इन द नॉर्दर्न एटलांटिक सब ट्रॉपिकल गैप। तीसरी है द कैनरी करंट एस्टैब्लिश्ड द सरगोसा सी वेस्टर्न बाउंड्री। और आपको बताना है इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन से आपके ए 1 and 2,
बी ओनली वन, सी ओनली टू या डी ऑल ऑफ द अबव या वन टू थ्री। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। तो यहाँ पे डिस्कशन ले लेते हैं सबसे पहले सरगोसा सी के बारे में, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जायर क्या होते हैं। जो हमारे ओशन करंट्स होते हैं अगर उनको हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग जायर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बात हो रही है सरगोसा सी के बारे में। तो देखो ये है आपका मैप, ये रहा अपना नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये रहा अपना साउथ अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे आपको कुछ ओशन करंट्स दिख जाएंगे। कुछ यहाँ पे ठंडे हैं, कुछ गर्म हैं, कुछ कोल्ड हैं, कुछ हॉट हैं। तो यहाँ पे देखो ये रहा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पे फिर आता है दी एंटलीस, और फिर ये है हमारी गल्फ स्ट्रीम, ये रहा हमारा नॉर्थ अटलांटिक करंट, और ये है हमारा कैनरी करंट। अब यहाँ पे करंट ऐसे सर्कुलेट हो रहा है तो ये एक जैर बना रहा है। ओके, इसके बीच में यहाँ पे एक सी पड़ती है जो कि है यहाँ पे सरगोसा सी। बहुत ही यहाँ पे काल्म एनवायरनमेंट रहता है, और यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन कलर देखने को मिलेगा अगर आप इसे ऊपर से देखोगे। उसका एक कारण होता है कि यहाँ पे सरगोसम वीड पाई जाती है, खासकर ब्राउन सरगोसम सी वीड, जिस वजह से यहाँ का जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन सा आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपके सामने तीन स्टेटमेंट थी, इट इज़ डिफाइंड बाय द ओशन करंट्स। बिल्कुल ठीक बात है, ओशन करंट्स की वजह से ये डिफाइन होती है। दूसरा, इट लाइज विद इन द नॉर्दर्न अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गेयर, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरी है, द कैनरी करंट एस्टैब्लिशेस द सरगोसा सीज वेस्टर्न बाउंड्री। यहाँ पे वेस्टर्न बाउंड्री पूछी गई है। देखो वेस्टर्न बाउंड्री तो ये हुई, अब यहाँ पे वेस्टर्न बाउंड्री में क्या है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलेगी, और कैनरी करंट कौन सी बाउंड्री में है, ईस्टर्न बाउंड्री में है। इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो पहली जो दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा ए वन एंड टू। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर है ए। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख लेना, पढ़ लेना पॉज करके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के बारे में। आपको बताना है इन जो दोनों स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, पहली है, इट प्रोहिबिट्स डिसिक्रेशन ऑफ और इंसल्ट टू द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इंडियन नेशनल फ्लैग को कोई अगर इंसल्ट करता है उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। दूसरी स्टेटमेंट है, इफ समवन बर्न्स इंडियन नेशनल फ्लैग इन पब्लिक व्यू द पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन और विद बोथ। तो यहाँ पे सजा मिल सकती है, यहाँ पे फाइन लग सकता है, सजा भी हो सकती है, और यहाँ पे फाइन दोनों लग सकते हैं। कब? जब कोई व्यक्ति इंडियन नेशनल फ्लैग को यहाँ पे डिसऑनर करेगा, उसे बर्न करेगा। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपके ऑप्शन है ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, या डी नाइदर वर नॉर टू। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन ले लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के बारे में। तो बेसिकली ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिशन या इंसल्ट नहीं कर सकता हमारे नेशनल सिंबल्स की। तो ये नेशनल सिंबल्स को यहाँ पे इंक्लूड करता है। नेशनल सिंबल्स में क्या क्या, हमारा यहाँ पे नेशनल फ्लैग आता है, यहाँ पे हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, हमारा नेशनल एंथम आता है, इसके साथ साथ कोई भी मैप ऑफ इंडिया। तो आपने सुना होगा इंडियन मैप्स को भी आप लोग गलत तरीके से नहीं छाप सकते हो, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंदर है। और जो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट दी हुई हैं ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि दोनों इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर डी है। ओके, तो यस द आंसर इज डी। बाकी सारी डिटेल्स आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हो गए हमारे 5 सवाल ख़त्म। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने अपने स्कोर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज, एंड हैव अ गुड डे अहेड, एंड लव एंड पीस फ्रॉम आवर साइड।